केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का हैवानियत भरा रूप सामने आने के बाद जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने सख्त रूप अपनाया है, वहीं आज पीड़ित परिवार ने आरोपी डॉक्टरों की गिरफ्तारी व SC/ST धारा लगाने की मांग करते हुए SSP से मुलाकात की। दरअसल मेरठ के कमालपुर निवासी देवेंद्र सोमवार की रात करीब 8:30 बजे अपने पुत्र का चारा काटने की मशीन से हाथ कटने पर मेडिकल कॉलेज लेकर आए। आरोप है कि मेडिकल में मौजूद डॉक्टर्स ने इलाज न करते हुए तीमारदारों के साथ अभद्रता की। जूनियर डॉक्टर ने गिरेबान पकड़कर तीमारदार को थप्पड़ रसीद कर दिया और वहां मौजूद तीमारदारों को गिरा गिरा कर पीटा। महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की गई, जिसमें से एक महिला बेहोश हो गई। वहाँ मौजूद तीमारदारों को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार ने आज SSP ऑफिस पहुँच कर न्याय की गुहार लगाई। देखिए, मेरा नाम विनीत चपड़ा है, मैं चौधरी चंद सिंह विश्वविद्यालय से। क्या हुआ SSP ऑफिस, इसलिए आया ये लोग? मामला ऐसे था भैया, ये कमालपुर गांव के निवासी है। 23 तारीख को ये अपने बच्चे का इलाज करने के लिए मेडिकल इमरजेंसी में गए थे। वहाँ पर लापरवाही को लेकर जूनियर डॉक्टरों से इनका विवाद हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो के बाद जो हंगामा हुआ, ये उसके बाद थाने गए लोग। इन थानों ने नेम्ड में रिपोर्ट करी थी, जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने बताया था। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन ने ना ही तो अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी करी है, ना ही इस मुकदमे में अब तक SC/ST बढ़ा है। जबकि जो मेडिकल के प्रचार रहे हैं उनका कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आए दिन आप लोग भी देखते होंगे मेडिकल इमरजेंसी में विवाद होता है। पूर्व में भी विश्वविद्यालय के छात्रों, मीडिया कर्मियों के साथ, पुलिस कर्मियों के या आमजन जो भी लोग आते हैं उनके साथ विवाद होता है। अब आप तक आप देख लीजिए कि एक महिला को धक्का दिया जा रहा है, वहाँ पे महिला को जो वीडियो वायरल है उसमें अब तक कोई लापरवाही नहीं, और पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए उस रात को ही 147, 323, 504, 506 धारा में मुकदमा पंजीकृत कर दिया। अब हमारी मुख्य रूप से मांग है इस मुकदमे में SC/ST की धाराएं बढ़नी चाहिए, और जिन डॉक्टरों ने मारपीट करी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज हम सभी लोग कप्तान साहब से मिलना है और जल्दी हमारी इस मसले में मुलाकात होने वाली। क्या मांग रखेंगे? हमारी मुख्यतः मांग है SC/ST बढ़नी चाहिए, और इसमें जो महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है 354 धारा उसमें बढ़नी चाहिए। गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के अंदर खुलेआम उनका गुंडाराज चल रहा। आए दिन वो वहाँ पे विवाद करते हैं और कोई उसका विरोध करता तो बोलते हैं जाओ प्राइवेट अस्पतालों में। कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों को लाभ देने के लिए ये सब चल रहे हैं। SSP ऑफिस पहुँचे देवेंद्र ने मीडिया को यह जानकारी दी। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है जी, मैं कमालपुर का रहने वाला हूँ, गढ़रोड कमालपुर का। क्या मामला हुआ भाई आपके? मामला यह था जी, हम बच्चे को लेकर गए थे हॉस्पिटल मेडिकल में, इमरजेंसी में। उसका चारा काटने मशीन से अंगूठा कट गया था हमारे साले के लड़के का, तो उसको 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, ब्लड बह रहा था। हमने डॉक्टर से कई बार गुहार लगाया, डॉक्टर साहब बच्चे को देख लो, जरा देख लो। तो एक लाल टी शर्ट में थे, डॉक्टर का नाम हम जानते, वो आके सुने नहीं, मगर जी ऐसा कह रहे थे इसे तो तुमको जल्दी है, मगर जी डॉक्टर साहब आपको तो देखने का पड़ जाए। पहले गाली गलौज करके कि हम तेरे कहने देखेंगे, फिर तू डॉक्टर है क्या है, इसे प्राइवेट में ले आता कि जल्दी थे, फ्री के चक्कर में आ जाते हो हॉस्पिटल में। और इतना कहने के बाद महिला बोली कि जी ऐसा अब क्यों कह रहे, महिलाओं के साथ उन्होंने धक्का मुक्की करी, छेड़छाड़ करी। और हमने कहा ऐसा क्यों करें, हम तुमको गलत बात थोड़ी कर, बच्चों को तो देखने का फर्ज है आपका या किसी भी मरीज को। तो हमें इतने इस कदर बुरी तरह से मारा उन्होंने, एक गिरेसी शर्ट में था उन्होंने बनियान वो डाल रखा बैग। कमीशन पूरी के चक्कर में इसलिए प्राइवेट में भेजते हैं आप? हाँ जी, कुछ कारण था, जैसे भी जो मार पिटाई करने वाले थे वो डॉक्टर था। हाँ जी, तो क्या कहते हैं, उसके बाद आपने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उसका क्या हुआ? कंप्लेंट दर्ज कराई थी, दरोगा जी ने कहा कि वो छोड़ो तुम जाति वाला, तुम सीधे ऐसे कर दो, हम उनको अरेस्ट करवा देंगे। और ना तो उन्होंने वो लिखा ऐसे, जो महिला के साथ छेड़छाड़ करवाई है उसको भी उन्होंने कहा दिया सब छोड़ो, बस सीधी मारपीट का लिख दो। हमारे घर वाले ने कहा आपसे? हाँ जी। कौन था दरोगा? वो दरोगा जी का मैं नाम नहीं जानता, वो मेडिकल में उपस्थित थे उस टाइम। उन्होंने कहा कि ये छोड़ो तुम, सच्ची बता रहा हूँ, मैं कोई झूठ बात नहीं, चाहे उनसे जाकर पूछ लेना। उन्होंने कहा ये छोड़ो तुम, जाति सूचक सबका, क्यों ऐसा हो सकता है, उसमें तो ऐसे भी हो, सब तरह के होते, मगर जिसने हमें साथ बदतमीजी करी, जो व्यवहार कहा उसे तो कहा जाएगा। तो इस तरह उन्होंने वो चीज़ कटवा दी। सर जी, हमारी यही गुजारिश है, ऐसे एक्ट लगाए जाए, हमारी महिलाओं से जो छेड़छाड़ करी उसके साथ धारा लगाते हुए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ।
बहुत लोगों के साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने जो भी बता रहे हैं कि इस तरह की हरकत उन्होंने बहुत बार कर दी है। ठीक है जी, सभी न्यूज वाले से ये अनुरोध है जी, इस न्यूज को पहुंचाइए और उनके कड़ी से कड़ी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।